हेलो एवरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माई सेफलिस्टा एंड एज यू नो वी आर कवरिंग टू द अप्रोचेज ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन एंड उसी कड़ी में हम जो है ना रियलिज्म को आगे बढ़ाते हुए लिबरलिज्म के लिबरलिज्म को पढ़ेंगे और ये इंटरनेशनल रिलेशन का सेकेंड अप्रोच है सो so, जैसा कि आपको पता है कि रियलिज्म एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और उससे रिलेटेड हमने सारे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा है इंक्लूडिंग पी वाई क्यू इंक्लूडिंग उसके सिलेबस कैसे हमें पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है स्टैंडर्ड बुक्स के बारे में हमने डिस्कस किया है हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं वो भी अब हमारे इस सिलेबस को ध्यान में रख करके आगे पढ़ सकते हैं और उनको कोई भी दिक्कत हो मेटेरियल से रिलेटेड दे कैन कंसल्ट टू अस सो so, जब हम बात करेंगे रियल uh, लिब्रलिज्म की यानी उदारवाद की जो कि एन के सिलेबस में दे रखा है और उससे रिलेटेड आपको एक दो क्वेश्चन हमेशा देखने को मिल जाते हैं अब ऐसा नहीं है कि रियलिज्म जितना ये क्वेश्चन जो होता है ना ज़्यादा पॉपुलर है एन के एग्जाम में बट एन टी ने अपने एग्जाम में दे रखा है अपने टॉपिक में दे रखा है अपने सिलेबस में दे रखा है तो हमें इस टॉपिक को भी कवर अप करके जाना है तो लिबरलिज्म जब भी हम बात करते हैं हम कहते हैं उदारवाद तो कोशिश करेंगे कि हम जो है ना इसको बायलिंगल में रखें हालांकि मैंने इस बार जो स्लाइड है वो हिंदी मीडियम में नहीं रखा है बट मैं कोशिश करूंगी कि जो लास्ट क्लास में आप जब स्क्रीन शॉट लें उसमें हिंदी के भी जो इंपॉर्टेंट जो ट्रांसलेशन है वो आप उसका स्क्रीन शॉट ले लें सो बी विद अस

तब तक आप क्या करोगे आप ऐसे ही पढ़ते रहोगे और आपको पता नहीं चलेगा कि कौन से बुक पे हमें ज्यादा जोर देना है

और नोट्स को हो सके तो प्लीज अवॉइड करो क्योंकि इट्स इट्स नॉट मेक योर फंडामेंटल नॉलेज जस्ट लाइक आप किसी के ज्ञान को फिर से ले रहे हो तो इट्स अ बट नॉट इन ब्रोड वे क्योंकि आपको सिर्फ एन के एग्जाम को क्लियर नहीं करना है बल्कि की कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी सबको लेके जाना है सो प्लीज फोकस ऑन द स्टैंडर्ड बुक जब हम स्टैंडर्ड बुक की बात आते हैं तो हम डिस्कस करते हैं कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की यानी कि सिर्फ आपको पढ़ के जाना नहीं है रट के नहीं जाना है उसके थिंकर्स को बल्कि हमें कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के बारे में भी जानना है ताकि हम जो है ना उस चैप्टर को किसी तरह का भी क्वेश्चन आए उस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए हम उसको टैकल आउट कर सकें तो हमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी यानी कि स्पष्टीकरण उस विषय से रिलेटेड जितने भी स्पष्टीकरण है जितने भी मूल बिंदु है उस पर हमें ध्यान रख करके आगे बढ़ना है फिर उसके बाद जब हमने स्टैंडर्ड बुक को पढ़ा तो किस तरीके से पढ़ना है उसके लिए हमें पी वाई क्यू जरूरी है क्योंकि एट द एंड आपको जयरक में क्लियर करना है तो पी वाई क्यू को ध्यान में रखकर ही आगे बढ़ना है और इसी वजह से हमने जितने भी लास्ट में जब भी हम सेशन पढ़ते हैं कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं तो हम पी वाई क्यू जरूर सॉल्व कराते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए ताकि आप सोच सको कि हमें किस लेवल से पढ़ना है ताकि हम एनडीए ऑल इंडिया लेवल जो एग्जामिनेशन होता है उसको क्रैक करक करके ही निकले तो पीवा क्यू इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसपे हम इंफोसिस करते हैं और उसके बाद आप प्रैक्टिस करो जितना हो सके आप प्रैक्टिस करो अब प्रैक्टिस ऐसा नहीं है कि आप कोई भी क्वेश्चन उठा करके रैंडम प्रैक्टिस

उसके उसके लिए आप नोट्स या फिर उसके लिए आप सैंपल उसके लिए आप मॉक को रेफर कर सकते हो बट प्लीज मेक अ नोट आपको प्रैक्टिस करना है ठीक है और स्टैंडर्ड बुक को ध्यान में रखकर स्टैंडर्ड बुक को आप स्किप नहीं कर सकते हो स्टैंडर्ड बुक इज द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कि आपको इस एग्जाम में आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को बिल्ड करने में मदद करेगी तो ये है हमारा एजेंडा और इस तरीके से हम लिबरिज्म और जितने भी अप्रोच हैं उसको हम कवर अप करेंगे हमारा गोल ये है कि हम पी वाई क्यू को साथ में लेकर के सिलेबस में में ध्यान ध्यान को ध्यान में रख करके हम कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं और इसे हमें कभी भी छोड़ना नहीं है पूरे सिलेबस को क्योंकि अगर आप इंटरनेशनल रिलेशन के सिलेबस को देखो इट्स अ वास्ट टॉपिक और हमें उस वास्टनेस को कवर अप करने के लिए हम इन तीनों के, इन तीनों बिंदु को केंद्र में रख करके हर टॉपिक को पढ़ेंगे सो प्लीज द प्राइमरी हैव टू आप क्यूलिज्म से रिलेटेड टॉपिक को ध्यान में पढ़ोगे, तो आपको पूछा जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन क्योंकि जब तक से आपको पता नहीं है कि एंटी किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तब तक से आप उस अप्रोच को नहीं समझ पाओगे और सिर्फ आप स्टैंडर्ड बुक को पढ़ते रहोगे तो प्लीज Year, के किस जोर दिया जा रहा है कौन से क्वेश्चन है और हमें किस टॉपिक पे ज्यादा दे करके पढ़ना है so, जब हमने five, पिछले पांच साल के क्वेश्चन को एनालाइज किया तो हमें पता चला इट्स अ थिंकर जो विचारक है और उससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है जितने भी बिंदु है वो इम्पोर्टेंट है जैसा कि हमने रियलिज्म में देखा मोरियन थाउ फिर वर्ल्ड और मियर साइमर्स जकारिया जितने भी रीसेंट थिंकर्स आ रहे हैं वो भी इम्पोर्टेंट हैं तो आप उन पर ध्यान रखिए जो थिंकर्स हैं और उन्होंने कौन कौन से कॉन्सेप्ट दिए हैं फिर उसके बाद जो जनरली नेक्स्ट टॉपिक जो इम्पोर्टेंट की पूछी जा रही है वो है सॉफ्ट पावर से रिलेटेड सॉफ्ट पावर से रिलेटेड एन टी ए क्वेश्चन पूछ रहा है और वो टॉपिक जो है वो कॉन्सेप्ट है वो किस थिंकर ने दिया तो आपको सॉफ्ट पावर के बारे में भी

और उनके जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे जब भी हम पॉलिटिकल थॉट या पॉलिटिकल थियोरी लिबरलिज्म के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पर डेप्थ में डिस्कस करेंगे बट यहाँ पे जो आपको इंटरनेशनल रिलेशन में जॉन लॉक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज जानने की है कि इंटरनेशनल रिलेशन में नेचुरल राइट्स के कॉन्सेप्ट को ज्यादा जोर से जो है ना डिस्कस किया आई I मीन mean ज्यादा जोर दिया है वो है जॉन लॉक ने और उन्होंने नेचुरल राइट को ध्यान में रख करके बातें वो कही है उन्होंने प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी एक नेचुरल राइट right के कॉन्सेप्ट में डाला है और कहा कि प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है वो बहुत जरूरी है किसी भी इंडिविजुअल के लिए फिर उन्होंने बात की है ऐसा कहा जाता है कि ऐसा कहा नहीं जाता ऐसा माना जाता है कि फादर ऑफ लिबरलिज्म जॉन लॉक सो जब भी हम आ, इंटरनेशनल रिलेशन के थियरी यानी कि आप लिबरलिज्म को पढ़ रहे हो तो आप उनके फादर्स यानी कि हंस मॉर्गेन था जैसे इंपॉर्टेंट थिंकर और यहाँ पे जॉन लॉक इनको ध्यान में रख करके आप पढ़ोगे तभी क्योंकि जनरली टू डिस्कसिंग तो आपको ये सब भी पता होना चाहिए फादर ऑफ लिबरलिज्म जॉन लॉक जो एक कॉन्सेप्ट जनरली जॉन लॉक के बारे में पूछा जाता है वो है टैबुलर आशा सो एनी आइडिया अबाउट so, टैबुलर आसा क्या हो सकता है कोई गेस्ट टेबुलर आसम इनका मतलब होता है वो एक की तरह होता है फिर समय के साथ जब उसका सोशलाइजेशन होता है तो उस स्लेट पे उसको सोशलाइज किया जाता है और फिर वो इंडिविजुअल जैसा उसका सोशलाइजेशन होता है वैसा बन जाता है तो एक इंडिविजुअल क्या है वो एक क्लीन स्लेट की तरह है यानी कि जब वो पैदा हुआ था तो उसके दिमाग में वो एक पवित्र आत्मा जिसको आप कह सकते हो यानी कि ही इज़ प्योर और समय के साथ साथ जब वो इंडिविजुअल और ये सोसाइटी से इंटरेक्ट हुआ सोसाइटी के कांटेक्ट में आ ही गेट पोल्यूटेड या फिर जो भी कहो उसकी जो है ना रैशनैलिटी में चेंज आ गई और फिर वो क्या हो गया दैट्स क्लीन सेट स्लेट बिकम फील्ड स्लेट ठीक है so, सो ने दिया प्लीज माइंडारा ठीक है जब हम बात करेंगे, की और भी को करेंगे तो एक डेमोक्रेटिक पीस थियरी डेमोक्रेटिक पीस थियरी और इससे रिलेटेड जो नाम आते हैं वो है माइकल डोयन इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे डेप्थ में बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और लिबरलिज्म इसके बिना अधूरा है सो so, जब भी आप बैलेंसमित तो और स्टैंडर्ड बुक को पढ़ोगे तो आप स्टार्ट ही इन डेमोक्रेटिक पीस थियोरी से होती है लिबरलिज्म का कॉन्सेप्ट तो हम डेमोक्रेटिक पीस थियोरी को भी ध्यान में रख करके पढ़ेंगे बट माइकल डवेल और ब्रूस रसे इससे रिलेटेड जो थिंकर्स हैं आपको ध्यान में रखना होगा तो ये सब जो इम्पोर्टेंट बातें हो गई पी वाई से रिलेटेड और किस तरह से हमें किस टॉपिक को अप्रोच करना है ये हमें समझ में आ गए तो हम आते हैं टॉपिक के अंदर और देखेंगे लिबरलिज्म का कॉन्सेप्ट तो जब भी हम लिबरलिज्म की बात करते हैं तो लिबरलिज्म जो होता है ना जैसे कि हमने रियलिज्म में पढ़ा तो वो इस इम्फेस करते हैं जोर देते हैं स्टेट पे पावर पे इंटरेस्ट पे लेकिन रियलिज्म की जो जो स्थापना होती है और जो मेन कॉन्सेप्ट है वो लिबर्टी यानी फ्रीडम फ्रीडम पे वो जोर देते हैं ठीक है एक इंडिविजुअलिज्म यानी कि जो व्यक्तित्ववाद है इंडिविजुअल्स की ये राइट होनी चाहिए इनकी ये इंपॉर्टेंट फंडामेंटल्स राइट होनी चाहिए तो वो इंडिविजुअल पे ध्यान देते हैं इंडिविजुअल और लिबर्टी पे ध्यान देते हैं कि यानी कि इंसान जो होता है ना फ्रीडम होता है जैसे कि आपने देखा जॉन लॉक ने प्राइवेट प्रॉपर्टी की बात की तो ऐसे ही आप देखोगे ना कि ये जो होता है ना लिबर्टी इंडिविजुअल इंडिविजुअलिज्म और इन सब को बनाए के रखने के लिए स्टेट और सिटीजनशिप का जो रिलेशन होता है वो लिबरलिज्म डिस्कस करता है यानी कि स्टेट और सिटीजनशिप uh, यानी कि सिटीजनशिप इंडिविजुअल को कौन प्रोटेक्ट करता है स्टेट और इन दोनों का जो रिलेशन uh, है इंटरडिपेंडेंस है उससे क्या हो सकता है फ्रीडम और लिबर्टी को मेंटेन किया जाता है और इसी वजह से जो लिबरलिज्म है वो बिना इंडिविजुअलिज्म लिबर्टी स्टेट सिटीजन रिलेशनशिप के बगैर इस कॉन्सेप्ट को समझना मुश्किल है तो ये तीन कॉन्सेप्ट जो है ना वो इंपॉर्टेंट है और फंडामेंटल है लिबरलिज्म के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए यानी कि उदारवाद के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए और वो क्या क्या है व्यक्तित्व हिंदी मीडियम बच्चे व्यक्तित्ववाद राज नागरिक का संबंध और लिबर्टी यानी कि स्वतंत्रता तो इन तीनों कॉन्सेप्ट के बगैर लिबरलिज्म के कॉन्सेप्ट को उदारवाद को समझना मुश्किल है ये ये तीनों ये तीनों टॉपिक, जो है ना, हमारा क्लियर होना चाहिए जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि जैसे कि आपने देखा कि रियलिज्म में धीरे धीरे समय के साथ चेंजेस आए समय के साथ परिवर्तन आए और उसके ऑब्सूट आए यानी कि उसके नए नए ब्रांचेस आए तो लिबरलिज्म में भी ऐसा ही होता है तो जनरली आप बुक में पढ़ोगे तो आप देखोगे ठीक है बट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं आपकी basics, आपकी आपकी बेसिक्स फंडामेंटल्स की जो मूलभूत है ना वो बिल्ड करें ताकि जब भी आप स्टैंडर्ड बुक को पढ़ो तो वो क्लियर हो जाए तो एक अदर टाइप की क्लासिफिकेशन के बारे में हम पढ़ेंगे जो कि जनरल जनरली आपको बुक में नहीं दिया जाता या फिर आपके अम्म uh, बुक में नहीं दिया जाता मैं उस पर स्ट्रेस कर रही हूँ ताकि ये क्वेश्चन जो है ना आपका जो

तो यहाँ पे हमारा इम्फेसिस ये है कि आप किस तरीके से बुक के सारे नॉलेज को ग्रेस कर सकते हैं जब तक से आपकी बेसिक ना क्लियर हो तो उसी से संदर्भ में यहाँ पे लिबरलिज्म से रिलेटेड कुछ बेसिक्स हमने दे रखी है जब भी हम बात करेंगे लिबरलिज्म तो कुछ इनकी ऑप्सूट होते हैं यानी कि इनकी कुछ शाखाएं होती हैं और समय के साथ साथ ये शाखाएं क्या होती हैं लिबरलिज्म को और भी क्या कर देती है स्पष्ट करती हैं तो लिबरलिज्म में जो फर्स्ट शाखा है वो है यानी ब्रांच है वो है लिबरल पैसिफिज्म अब का मतलब ये होता है शांति बनाए रखना पैसिफाई करना यानी कि ज्यादातर ज्यादातर वो पीस पे ध्यान देते हैं लिबरल पैसिफिज्म यानी उदारवाद पैसिफिज्म का आप देख हैं लिबरल इम्परलिज्म ठीक है यानी कि ये जो है वो इम्परलिज्म पे बात करते हैं अच्छा एक और कॉन्सेप्ट जो आपको पता होना चाहिए जब भी आप इंटरनेशनल रिलेशन को पढ़ लें पढ़ें तो वो होता है कॉलोनियलिज्म और एक जो कॉन्सेप्ट होता है जो कि आपको जनरली पूछा जाता है वो है एंपेरियलिज्म ये जो दोनों कॉन्सेप्ट होता है इसमें अंतर क्या होता है ये जो कॉन्सेप्ट होता है जनरली जब हमें स्पष्ट नहीं रहता है तो हम इन दोनों को एक साथ यूज कर देते हैं जो कि हमें करने से बचना चाहिए ये जो कॉलोनिज्म होता है वो हमसे अच्छा कोई नहीं जान सकता बिकॉज वी आर द कंट्री इंडिया इज द कंट्री हु गेट हुटनाइज बाय द ब्रिटिश और ये जो कॉलोनिज्म होता है ये आपके केवल बाहरी सिर्फ आपके कंट्री पे नहीं होते ये आपके मेंटल स्टेट पे भी होता है सो इट्स अ वास्ट कॉन्सेप्ट जहां पे क्या होता है कोई कॉलोनियल पावर आता है फिजिकली द एक्सप्लोयड द रिसोर्सेज यहाँ की जो संसाधन है उसको रिसोर्स को एक्सप्लोयड करते हैं और फिर वो क्या करते हैं यहाँ पे बस भी जाते हैं और फिर वो हमारे ना केवल इकोनॉमी ना केवल पॉलिटी बल्कि हमारे जो होते हैं ना मानसिक स्थिति पे भी जो बदलाव आती हैं ठीक है जैसे आप पार्टीशन का इफेक्ट दे सकते हो बंटवारा का इफेक्ट तो ये जो है ना एक भास्ट टर्म है एक बहुत इंपॉर्टेंट इसको हम कह सकते हैं ना कि इसमें जो है ना ज्यादा सार, सारी सारी चीजें जिसमें आइडियोलॉजी से भी रिलेटेड चेंजेस आने देखने को मिलती है जबकि इम्प्रलिज्म क्या होता है इम्प्रलिज्म जो होता है ना वो आपके इकोनॉमी और आपके पॉलिटी से रिलेटेड होता है यानी कि जो पावर्स होते हैं जो इम्पोर्टेंट पावर होते हैं वो आपको इकनॉमी और आपके पॉलिटिकल जो कंट्री का जो जिसपे वो ये करते हैं जिसपे वो कॉन्फ्लिक्ट करते हैं या जिसको कंट्रोल करते हैं वो उनके उस कंट्री के इकोनॉमी और पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स को पॉलिटिकल फेरी फेरी को वो क्या करते हैं इम्पैक्ट इम्पेक्ट करते हैं जैसे मान लीजिए कि अलेक्जेंडर ठीक है तो वो क्या करते हैं वो वहाँ पे जाते हैं कोई कंट्री है ठीक है मान लो कि ये कोई कंट्री है और ये क्या करता है एक्सपैंड करते हैं ठीक है ताकि वो क्या कर सके इसकी और भी ज़्यादा उनकी टेरिटरी बढ़ जाए और ये ज़रूरी नहीं है कि वो इस टेरिटरी में आए ही तो ये क्या हो गया आपका इम्प्रलिज़म हो गया वो यहीं से उसको क्या करेंगे कंट्रोल करेंगे और इनका मेन एम ये होता है कि वो अपने क्षेत्र का विस्तार कर सकें जबकि कॉलोनिज़म में क्या होता है कि वो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे रह कर के इसके पीपल को इन्फ्लुएंस करते हैं फिजिकली रिसोर्सेज को एक्सप्लाइड करते हैं तो ये सब जो है ना एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जब भी आप कॉलोनिज्म और इम्पलिज्म को ना डिस्कस कर रहे हो ताकि आपकी जो है ना अंडरस्टैंडिंग और भी क्लियर हो जाए ठीक है तो अज जब हम आते हैं लिबरलिज्म में तो जो पहला ऑफ ऑप्सूट होता है वो पैसिफिज्म में की बात करते हैं यानी कि, कि किस तरीके से ना शांति बनाई जाए अंतर्राष्ट्रीय संबंध में और इसकी बात करते हैं लिबरल पैसिफिज्म और जो लिबरल पैसिफिज्म के जो थिंकर्स थिंकर वो सूम पीटर है सुम पीटर क्या कहते हैं सुम पीटर जो आप देखने को मिले वो डेमोक्रेटिक कैपिटलिज्म की बात करते हैं यानी कि ऐसा राजतंत्र राज सॉरी इट्स राजतंत्र में लोकतंत्र जिसमें कैपिटलिज्म भी हो तो वो जो है ना वो डेमोक्रेटिक कैपिटलिज्म की बात करते हैं फिर हम बात आते हैं वो है लिबरल इम्प्रलिज्म इम्प्रलिज्म आप वहां पे देखने को मिलेंगे ये जो है ना मैक्यावेली और ये क्लासिकल रिपब्लिकन रिपब्लिकन की बात करते हैं अच्छा रिपब्लिकन क्या होता है आप हर दिन रिपब्लिक डे मनाते हो हर साल सॉरी हर साल आप रिपब्लिक डे मनाते हो ऑफ आप कोर्स आपको पता है इट्स अ गणतंत्र व्हाट्स द मीनिंग ऑफ गणतंत्र क्योंकि जब तक से आपको ये की कॉन्सेप्ट पता नहीं होगा ना आप बस ऐसे ही बस हवा में उड़ते रहोगे सो प्लीज आप कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी रखें क्योंकि एन जो होता है ना वो आप क्या कर सकते हो आपको एलिमिनेट करना है क्वेश्चन को क्वेश्चन में जितने भी ऑप्शन होते हैं वो आपको सेम जैसे आपको दिखने को लगेंगे आपको कुछ कुछ की टर्म्स को ना एलिमिनेट करके आपको आंसर तक पहुंचना है तो आपको हर टॉपिक के हर जो कॉन्सेप्ट होते हैं हर उसके मीनिंग उसको आपको पता होना चाहिए हर कॉन्सेप्ट की मीनिंग ताकि आप उसको एलिमिनेट कर सके रिपब्लिक क्या होता है कि जो हेड ऑफ द स्टेट होता है चाहे आप ले लें प्रेसिडेंट या फिर प्राइम मिनिस्टर ये इलेक्टेड हो हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड बाय द पीपल सो अ रिपब्लिक स्टेट ठीक है तो लिबरल जो होते हैं जो थिंकर्स होते हैं जो सेकेंड ऑफ सूट होता है लिबरलिज्म का वो बात करते हैं क्लास क्लासिकल रिपब्लिकन की यानी कि हम ये जो है ना ये आपको देखने को मिले ओल्ड टाइम में आपको मैकिया विली जब इनकी बात कर रहे हैं तो मैकियाली का जो टाइम पीरियड आप देख लोगे इट्स अ वेरी ओल्ड ये इटली के थिंकर्स हैं तो ये बात करते हैं क्लासिकल रिपब्लिकन की यानी कि गणतंत्र की बात करते हैं और इस तरह से हम क्या कर सकते हैं लिबरल इम्प्रोलिज्म को एक्सपेंशन की भी यहाँ पे बात मैंने आपको बताया कि इम्प्रुलिज्म मतलब एक्सपेंशन और जब तक से हम एक्सपेंड नहीं करेंगे ना तब तक से क्लासिकल यानी कि जो इम्पोर्टेंट रिपब्लिक है वो यहाँ पे क्या करेंगे एक्सपेंड करके शांति स्थापित करेंगे ठीक है फिर तीसरा जो ऑप्शूट आता है वो है इंटरनेशनलिज्म आप इस इसकी मैं आप को दिखा रही हूँ और भी डेप्थ में हम आगे डिस्कस करेंगे सो डोंट वरी टेक अ टेक अ रिलीफ एंड जस्ट लुक एट कि कैसे जो लिबरलिज्म है ना वह अलग अलग ब्रांच में बटा हुआ है और इसके क्लासिफिकेशन को समझना इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो होते हैं ना वो आपको एनडीए में पूछे जा सकते हैं या फिर मैच ऑफ द फॉलोइंग में पूछे जाते हैं तो प्लीज टेक अ लुक क्योंकि ये जो है कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए फिर उसके बाद हम बातें आते हैं इंटरनेशनलिज्म इंटरनेशनलिज्म में आपको देखने को मिल देंगे कांट कांट जो है वो है डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन यानी कि ये जो बात करते हैं वो डेमोक्रेसी की बात करते हैं और रिपब्लिक की बात करते हैं इन दोनों में जो कमियां और इसकी जो कमी थी, इसको दूर करने की, की थी इंटरनेशनलिज्म ने की थी और ये क्या क्या, क्या कमियां हैं कैसे इन कमियों को दूर किया जाएगा लेट्स अ लुक ठीक है और जो लिबर अच्छा एक बात और जो आपको कंफ्यूज कर रही होगी वो है मैकियावेली से रिलेटेड कि मैकिया विली जो है ना आपको थिंकर रिलीजम में भी देखने को मिलेंगे और फिर आपको यहाँ पे भी हम पढ़ रहे हैं ऐसा इसलिए क्योंकि एक्सपेंसिन इमिज की बात कर रहे हैं और ये रिपब्लिकन की भी बात कर रहे हैं ठीक है तो ये यह, यहाँ पे आपको इसलिए क्योंकि जो है ना मैकयाविली वो स्टेट को हटाने की बात नहीं करते हैं वो कहते हैं कि जो चर्च है उसका जो इंटरफेरेंस है ना स्टेट के साथ वो नहीं होना चाहिए ठीक है तभी वो वो स्टेट क्या होगा करप्ट नहीं होगा तो यहाँ पे आपको ये क्लैरिटी होना चाहिए कि वो स्टेट को हटाने की बात नहीं करता वो अनार्की की बात नहीं करते हैं वो पावर को मैक्सिमाइज करने की बात करते हैं और पावर की मैक्सिमाइजेशन कैसे होगा अपने टेरिटरी को एक्सपेंड करके इम्पीरियलिज्म के थ्रू तो यहाँ पे दैट्स वाई मै को हम रखते हैं इसमें आपको कंफ्यूज नहीं करना है कि हु इज दैदर इज द रियलिस्ट और वेदर ही इज द लिबरलिस्ट बस उनके आइडिया को ध्यान रखना है कि वो किस आइडिया पर ध्यान स्ट्रेस देते हैं और जब भी हम बात करते हैं लिबरल इम्परलिज्म की तो उसमें मैक्या वेली को हम क्लासीफाई करते हैं सो डोंट वरी अबाउट दिस क्लासिफिकेशन की ये थिंकर यहाँ पे है और यहाँ पे क्यों है तो ये सब जो है ना ये उनके कॉन्सेप्ट के अनुसार से उनकी जो है ना अंडरस्टैंडिंग उनकी आइडियोलॉजी के अनुसार से हम लोग उसको क्लासीफाई करते हैं सो प्लीज कीप इन माइंड आगे जब हम बढ़ेंगे इसके को समझते हुए, तो इन तीनों तरह के बताओ लिबरल पैसिफिज्म क्या होता है लिबरल इम्पुरज क्या होता है इस तरह के क्वेश्चन आपको एन डायरेक्ट नहीं पूछेगा और ना ही आपके बुक में दिए रहते हैं बट जब भी आप इसकी अंडरस्टैंडिंग रखोगे तब आपको ना ये जो क्योंकि अभी आप क्या करो आप आप देखो आप पॉलिटिकल थॉट भी पढ़ रहे हो आप पॉलिटिकल थियरी भी पढ़ रहे हो और इंटरनेशनल रिलेशन भी पढ़ रहे हो जब तक से आप इन टॉपिक को ओवरलैप करके नहीं चलोगे तो आपको क्या होगा ना बस एक एक अंडरस्टैंडिंग मिलेगी एक आपको पहलू देखने को मिलेगा तो इन तीनों टॉपिक को इन तीनों बुक्स को इन इन तीनों जो ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग जो आपको यूनिट है उसको कैसे ओवरलैप करके पढ़ना है ताकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग हो वो एक बृहद हो क्योंकि जनरली क्या होता है एनडी इस तरह के क्वेश्चन पूछता है और एनडी इस तरह की एक्सपेक्ट करता है कि जो बच्चे जो है ना इस तरीके से पढ़े ताकि सिर्फ अंतरराष्ट्रीय विषय नहीं और भी जो विषय हैं जो यूनिट्स हैं उसको वो साथ साथ जोड़ के चले ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है ना वो बृहद हो और इंटरनेशनल रिलेशन भी यही होता है इंटरनेशनल रिलेशन आपका ओवरलैप करता है पॉलिटिकल थाट से पॉलिटिकल थियोरी से पॉलिटिकल थिंकर से सो दैट्स वाई आप उससे घबराइएगा मत जब भी आपको कि कोई कॉन्सेप्ट जो है ना वो क्लियर नहीं हो रहा है हम नेक्स्ट क्लास में आने वाले क्लास में पॉलिटिकल थॉट्स पॉलिटिकल थियरी उसको भी कवर अप करेंगे और फिर आपकी जो अंडरस्टैंडिंग होगी ना इंटरनेशनल रिलेशन के प्रति वो और भी ब्रॉड होगी सो प्लीज बी विथ अस हैव सम पेशेंस एंड टेक अ लुक ऑन दैट लिबरलिज्म ऑफ सूट्स इन ग्रेट डिटेल न टेक स्क्रीन शॉट ऑफ दल मैं क्या करूंगी इन पीपीटी को हिंदी में भी ला दूंगी ताकि जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो भी इसका स्क्रीन शॉट ले लें ऑल राइट सो लिबरलिज्मी की हम बात करें उदारवाद की अब जब हम उदारवाद की बात करते हैं, इसमें तीन देखा, जो की और पे देते हैं। टेरिटरी को एक्सपेंड करके शांति बनाना है इंटरनेशनलिज्म जो ये कहते हैं कि शांति एक्सपेंड से नहीं बनेगा आपको ये वर्ल्ड में स्थापित करना होगा ठीक है ये जो लिबरलिज्म है ये पूरे वर्ल्ड में लाना होगा तभी ये क्या होगा पेसिफाई होगा चारों तरफ स्टेबिलिटी और शांति मेंटेन होगी तो इसके डेप्थ में पढ़ते हैं इसके अंडरस्टैंडिंग इसके बेसिक्स से जा कर के और घुस के पढ़ते हैं ताकि हमारे जो कॉन्सेपचुअल क्लैरिटी हो और भी ज़्यादा निखर के आए तो होता क्या है लिबरल पैसिफिज्म में ये जोड़ देते हैं इंस्टीट्यूशन पर अब इंस्टीट्यूशन कैसे होगा जब तक से आपके पास डेमोक्रेसी नहीं होगा तो डेमोक्रेसी होने के लिए आपको क्या चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के लिए आपको इंडिविजुअल पे जोर देना होगा और इंडिविजुअल पे जोर देने की वजह से ये जो होते हैं ये जो ब्रांच होते हैं वो इंडिविजुअल को केंद्र में रखते हैं इंडिविजुअल यानी जो व्यक्ति है वो केंद्र है लोकतंत्र और कॉन्स्टिट्यूशन और फिर उसके बाद जब इंस्टीट्यूशन की बात आई इंडिविजुअल की बात आई तो वो इंडिविजुअल की फ्रीडम उसको प्राइवेट प्रॉपर्टी होना चाहिए जैसे कि हमने जॉन लॉक के बारे में देखा उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी का फ्रीडम होना चाहिए उसकी चाहिए, उसकी फ्रीडम होनी चाहिए चाहिए कुछ राइट्स होने और राइट का वॉयलेशन नहीं होना चाहिए और फिर उसके बाद पे जब डेमोक्रेसी आती है तो वो डेमोक्रेसी ये नहीं होती है कि आप एक बार जाके इलेक्शन दे करके आ जाए इट्स मीन आपको एक्टिव पार्टिसिपेट करना है थ्रू आउट द थ्रू आउट द रूलिंग पीरियड ऐसा नहीं है कि सब एक बार जाओ और वोट देके आ जाओ इसका मतलब कि आपको डिसीजन मेकिंग में और भी बहुत सारे इम्पोर्टेंस रोल होते हैं पार्टिसिपेशन डिसीजन मेकिंग इन सब में आपको क्या करना है एक्टिवली क्या करना है अपना योगदान देना है तो इसमें वो पार्टिसिपेशन की बात करते हैं इंडिविजुअल की और फिर उसके बाद जब पार्टिसिपेशन होता है तो ये जो है ना ये कहते हैं कि कैपिटलिज्म यानी पूंजीवाद और लोकतंत्र से पीस की स्थापना की जाती है पीस की स्थापना हो सकती है यानी कि जब तक से पूंजी नहीं होगी यानी एक कंट्री दूसरी कंट्री से पूंजी को लेकर के एक दूसरे से इंटरेक्शन नहीं करें तब तब तक क्या होगा पीस स्टेबलिश नहीं होगी और पीस को बनाए रखने के लिए हमें क्या चाहिए यानी इस कैपिटलिज्म को बनाए रखने के लिए हमें डेमोक्रेसी चाहिए और तभी जाके पीस जो है ना वो लॉन्ग टर्म तक हमारा इंडोर रहेगा जिसको कहते हैं ना कि लॉन्ग टर्म तक स्थापित रहेगा तो इसमें उन्होंने पीस की बात की और इसके जो इम्पोर्टेंट थिंकर आपको देखने को मिलेंगे वो है सूम पीटर पीटर की बुक भी आप ध्यान रखिएगा जो पूछ दिया जाता है एग्जाम में वो है कैपिटलिज्म सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी सो इन्होंने बात ही की है कि कैपिटलिज्म होना चाहिए डेमोक्रेसी होना चाहिए और सोशलिज्म भी होना चाहिए ठीक है लेकिन बात ये हुई ना इसमें कमियां ये रह गई कि ये जो है ना ये कैपिटलिज्म की बात करता है ठीक है जस्ट अ सेकेंड ये जो है ना ये कैपिटलिज्म की बात करता है और ज़्यादातर मेटरलिज्म की बात करता है ठीक है और इसी वजह से आप देखोगे ना इंडिविजुअल पे ज्यादा स्ट्रेस देने पे ज्यादा जोर देने पे ये जो है ना कुछ कुछ इसके जो कॉन्सेप्ट होते हैं ना ये आपको मार्क्स से भी रिलेटेड ओवरलैप करने को देखें जैसे फ्रीडम की बात करेंगे फिर उसके बाद आपको देखने को मिलेगा प्राइवेट प्रॉपर्टी तो छोड़ दो प्राइवेट प्रॉपर्टी की तो बात मार्क्स मार्क्स बात करता ही नहीं है कैपिटलिज्म ये सब की बात जो है ना कुछ कुछ इसके कॉन्सेप्ट जो है ना मार्क्स से रिलेटेड ओवरलैप करने को मिलेंगे बट वो है नहीं ये कंप्लीटली अलग है क्योंकि ये जो है ना ये प्राइवेट प्रॉपर्टी की बात कर देते हैं मार्क्सिज्म में ये बात नहीं होता है बट यहाँ पे इसकी जो है न, ये individual, जो है ना ये इंडिविजुअल इंडिविजुअलिज्म यानी कि जो इंडिविजुअल है ना उसको केंद्र में रखता है ठीक है और इसी वजह से ये क्या कहता है ना कहता है कि इंडिविजुअल को क्या होना चाहिए प्राइवेट प्रॉपर्टी देना चाहिए प्राइवेट प्रॉपर्टी का राइट देना चाहिए अगर वो ज्यादा अर्न कर रहा है तो उसे संचय भी करना चाहिए

वहाँ वेलफेयर जो होता है ना मिसिंग हो जाती है जो अदर नॉन इकोनॉमिक लाइफ होते हैं ना जो कैपिटलिज्म के अलावा यानी कि पूंजीवाद के अलावा जो अदर भी वेलफेयर लोकतंत्र राजनीति और भी आपको जैसे रिलीजन को लेकर के इन चीजों के बारे में ना ज्यादा जोर नहीं दिया जाता और इसी वजह से ना इसकी कमियाँ जो होती है ना स्टेज नॉन नॉन इकोनॉमिक लाइफ इन इनपे वो कम जोर देता है और यहाँ पे ना तब हमारे यहाँ पे आ जाते हैं लिबरल इमिज्म

क्षेत्र विस्तार होगा और जो मेन जो राज्य है जो जिसमें शांति है वो क्षेत्र को विस्तार करते करते दूसरे क्षेत्र में भी वो शांति बनाए रखेगा लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि शांति बनाने के चक्कर में ऐसा नहीं होता है कि जिसपे वो कंट्रोल करे वो भी शांति उसके अंडर रहना चाहे तो शांति बनाने के चक्कर में अशांति भी हो सकती है तो यहाँ पे पैसेफिज्म जो है ना इम्प्रलिज्म जो है ना वो पैसेफिज्म को छोड़ देता है और ये जो होता है ना वो एक अद अलग तरीके का एक्सपेंसन हो जाता है जिससे स्टेबिलिटी के बारे में हम सोच ही नहीं सकते क्रिटिसिज्म में आएंगे बट हाँ लेट्स हैव अ इसमें जो है ना स्ट्रेस पे ध्यान दिया जाता है स्टेट पे ध्यान दिया जाता है सॉरी इट्स में स्टेट पे ज्यादा स्ट्रेस दिया जाता है यानी कि ये जो स्टेट है जो मेन पावर है जो दूसरे को ना कंट्रोल करना चाह रहा है उसको केंद्र में रखा जाता है जैसे आप इमेजिन कर सकते हो मैकिया के बारे में मैकिया ने इटली के बारे में बात की और उनका कहना है कि जो मेन स्टेट है वो कैसे अपने पावर को ना ज्यादा देर तक होल्ड कर सकता है वो होल्ड कर सकता है स्टेट्स के मेन रोल पे ध्यान दिया दिया गया है और वो कैसे करेगा एक्सपैंड करके दूसरे कंट्रीज को कंट्रोल करेगा और जब वो दूसरे कंट्रीज को कंट्रोल करेगा तो उस कंट्री में ऑब्वियसली वॉर लाइक कंडीशन होगा क्योंकि वो वॉर करेंगे और इससे क्या होगा ना कि मोनोपोली ऑफ स्टेट जो है ना वो एस्टेब्लिश होते रहता है बाकी जो इंडिविजुअल है वहां पे तो यहाँ पे वो निगेट कर देता है इंडिविजुअल का कोई है ही नहीं रोल है ही नहीं क्योंकि जब भी आप कंट्रोल करोगे दूसरे स्टेट में तो यहाँ के सिटीजन जो है ना वो क्या करेंगे वो उस पे आप क्या करोगे उस एक्सप्लोइटेशन करोगे और यहाँ पे इंडिविजुअल को कम्पलीटली निगेट कर दिया जाएगा जब इंडिविजुअल को निगेट किया जाता है मतलब आप लिबरल थिंक थिंकिंग से हट रहे हो और इसी वजह से ना आपको थोड़ा सा लगेगा कि क्यों मैक uh, को यहाँ पे रखा गया course, इसके जो कुछ आइडिया जो है ना स्पेसिफाई यानी ये स्टेबिलिटी मेंटेन की करने की बात की जा रही है बट ये जो है ना इंडिविजुअल पे जोर नहीं दे रहा है तो इसी वजह से ना मैकिया वैली को ना ओवरलैप करता है ये रियलिज्म से और लिबरलिज्म से और इसी वजह से मैकया वैली पे ना आपको थोड़ा सा डाउट होगा बट ही इज नॉट अ प्योर लिबरलिज्म क्योंकि इन्होंने इंडिविजुअल की बात की ही नहीं है सो प्लीज कीप इन माइंड मैकिया वैली का जब भी हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं ना तो जनरली हम उसको रियलिज्म क्योंकि उन्होंने जो पावर जो स्टेट की किंग होता है द प्रिंस होता है उसको कैसे जो होता है ना ये करना चाहिए रूल करना चाहिए हो सकता है कि उसको ना चीते की तरह सॉरी फॉक्स और लायन पॉलिसी के बारे में बात करना चाहिए यानी कि जो किंग होना चाहिए वो फॉक्स की तरह चलाक होना चाहिए और लायन की तरह ताकतवर होना चाहिए ताकि वो दूसरे का क्या कर सके

रिपब्लिक की तरह होना चाहिए यानी कि वहाँ पर जो किंग होना चाहिए जो राजा होना चाहिए वो स्टेट से सॉरी चर्च के इन्फ्लुएंस से दूर रहे और इसी वजह से आप देखोगे ना इम्प्रलिज्म पे उन्हें जोड़ दिया है और वो जो जब उसकी स्टेप इस्टेब्लिश हो जाए तो वह इम्प्रलिस्ट हो और इम्प्रलिस्ट जो होते हैं वो दूसरे स्टेट पर क्या करें कैप्चर कर सकें उसके पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पॉलिसी पे इंटरफेयर कर सके और इसी वजह से आप देखो ना कि स्टेट एक्सपेंशन जब करते हैं स्टेबिलिटी से स्टेबिलिटी के लिए तो वो दूसरे कंट्री पे क्या करते हैं कंट्रोल करते हैं और दूसरे कंट्री पे आप कंट्रोल करोगे तो आप इंडिविजुअल के राइट right को नेग्लेक्ट करोगे और इंडिविजुअल के राइट right को आप नेग्लेक्ट करोगे तो आप क्या करोगे लिबर्टी और उसके फ्रीडम्स को क्या करोगे हटा दोगे और आप लिबरलिज्म तो कह, कहलाओगी नहीं तो यहाँ पे यहाँ पे जो ये कॉन्सेप्ट है लिबरल इम्परलिज्म वो शुरुआत में तो आपको लिबरलिज्म की तरह दिखता है बट वो अंत में आकर के क्या कहता है आई एम नॉट अ लिबरलिस्ट बिकॉज इंडिविजुअल यहाँ पे है ही नहीं तो इन सब खामियों को दूर करने के लिए आते हैं हमारे कांट जी कांट क्या कहता है यहाँ पे जो आपने मटेरियल पे ज्यादा जोर दिया है और यहाँ पे जो आपने यहाँ पे जो आपने मेटेलम पे ज्यादा जोर दिया और यहाँ पे जो आपने स्टेट पे जोर दिया है इसको क्या करना है इसको मिलाने की जरूरत है और ये कैसे मिल सकता है जस्ट अ लुक ये कहते हैं हमें क्या करना चाहिए हमें एक वर्ल्ड लेवल का कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करना चाहिए जिसको वो कहते हैं सिविल कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जो पूरे वर्ल्ड में अप्लाई हो और आपको दूसरे राज्य को जीतने की जरूरत ही ना पड़े जो एक का जो ये है ना वो दूसरे पे भी अप्लाई हो इस लेवल का हमें कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि लिबरलिज्म होना वो पूरे वर्ल्ड में हो कैन यू थिंक अबाउट दिस इज इट पॉसिबल क्या हम इस तरह का जो कांड चाह रहे हैं वो आज के समय में सोच सकते हैं तो उन्होंने क्या कहा कि इंडिविजुअल और स्टेट को मिला देते हैं कैसे मिलाएंगे सिविल कॉन्स्टिट्यूशन को लाते हैं उन्होंने लिबर्टी पे भी जोर दिया और लिबर्टी ये कहा होना चाहिए पूरे वर्ल्ड में होना चाहिए और इसी वजह से लिबरल रिपब्लिक के थ्रू हम क्या कर सकते हैं पूरे वर्ल्ड में पीस को स्थापित कर सकते हैं और ये बात जो है ना कांट ने कहा था कांट ने जो कॉन्सेप्ट दिया था वो अपने बुक परपेचुअल पीस में दिया था उन्होंने कहा था कि हम वर्ल्ड के थ्रू ना इस पीस को ना वर्ल्ड में जब तक ये कॉन्स्टिट्यूशन लागू नहीं होगा हम पीस को स्थापित कर ही नहीं सकते इसलिए उन्होंने परपेचुअल पीस पे ज़्यादा जो जोर दिया था और उन्हें बात कही थी कि ये कैसे होगा हमें यूनिवर्सल लॉ ऐसा लॉ जो कॉस्मोपॉलिटन यानी पूरे संसार पे लागू हो वैसे लॉ की बनाने की जरूरत है तो ये जो तीनों ऑप्सूट हैं वो लिबरलिज्म के हैं जब भी आप लिबरलिज्म पढ़ो तो इन तर, इस तरीके से देखें कि कैसे जो लिबरलिज्म है वो इंडिविजुअल को ध्यान में रख के बात करता है स्टेट्स को ध्यान में रखता है इकोनॉमिक को ध्यान में रखता है फ्रीडम को ध्यान में रखता है और फिर उसके बाद ये लिबरलिज्म को ना वर्ल्ड में अप्लाई करने की कोशिश करता है लिबरलिज्म का कॉन्सेप्ट आपको जब तक से आपको बेसिक क्लियर नहीं होगा आपको लिबरलिज्म समझ में नहीं आएगा और इस सब चीजों को पढ़ के हम क्या करेंगे डेमोक्रेसिक डेमोक्रेटिक पीस थियरी को स्टार्ट करेंगे सो प्लीज टेक अ बेसिक प्लीज बिल्ड योर फंडामेंटल्स ताकि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी बनी रहे और जब भी आप पी वाई क्यू अटेम्प्ट करो आपकी जो है ना अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो सो नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे इसके आगे बढ़ेंगे तब तक के लिए हैव अ गुड डे टेक केयर एंड प्लीज रिवाइ